शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए अलग अलग साफ व स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है भदोही जनपद ब्लॉक ज्ञानपुर के प्राथमिक विद्यालय भगवास में पिछले 6 माह से शौचालय क्षतिग्रस्त होने के कारण पूजा सहित कुल 204 बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है, है यानी टूटा फूटा है। शौचालय न होने से क्या समस्या आ रही है? शौचालय न होने से बहुत सारी समस्या है। समस्या यह है कि हमें दूर दूर जाना पड़ता है। अगर हमें दूर जाना पड़ता है तो हमारे मतलब क्लास में टीचर होते हैं तो हमें आधे घंटे की देरी होती है, यानी हमारी पढ़ाई नुकसान होता है। अगर हम और जिसके खेत में जाते हैं वो भी गाली गलौज देते हैं, ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं। हमारे प्राथमिक विद्यालय प्रवास में बच्चों को शौच जाने के लिए अत्यधिक परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पर शौचालय जो बना हुआ है वो भ्रष्ट पड़ा है। इसमें हम लोगों को पेट गड़बड़ हो जाने पर आने जाने में परेशानी होती है। हम लोगों का स्टाफ कुल 5 है, इसमें से एक महिला अध्यापिका है। ये शौचालय कब से खराब है? करीब 6-7 महीने से खराब होने की सूचना किसी को दिया गया? हाँ, खराब होने की सूचना दिया गया है। बीच बीच में सफाई भी कराया गया लेकिन वह सफाई करने पर वह ठीक नहीं हो पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों के शौच के लिए इसको नया एक निर्माण कराया जाए, जिससे अच्छे से बच्चे लोग उसमें बैठ सकें, पानी की सुविधा भी हो, टाइल्स भी लगे हों, जिससे गंदगी न होने पाए उसमें। मैं चाहती हूँ कि इस विद्यालय में साफ और स्वच्छ शौचालय बने ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि भदोही जनपद BSA के मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इस विद्यालय में साफ और स्वच्छ शौचालय बन सके। मैं केशा देवी, भदोही जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।